तो हेलो गाइस, साल 2012 में आई मूवी एगा, हिंदी में कह लें तो मक्खी मूवी को आपने बिफोर मूवीज पे 10 से 12 बार तो देखा ही होगा। साल 2012 में इस मूवी को लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और उसके बाद लोगों ने डिमांड किया कि अब हमें एगा 2 चाहिए, यानी कि मक्खी 2 मूवी चाहिए। इस मूवी के मुख्य एक्टर सुदीप नैनी, अभिनेत्री सामंता ने उस टाइम पे खूब ज़्यादा मेहनत दी थी, तो वहीं इनकी मेहनत के बदले लोगों ने उन पर ढेर सारा प्यार लुटाया था 2012 में। तो गाइस, आज की सबसे ताबड़तोड़ न्यूज़ ये है कि अब एगा 2 आने वाली है, यानी कि मक्खी 2 आने वाली है। इसके डायरेक्टर भी सेम SS मौली जी हैं। बात कर ले मूवी में हमें कौन कौन देखने को मिलने वाला, तो गाइस सबसे पहली जो उड़ती उड़ती न्यूज़ वो आ रही कि इसमें बॉलीवुड के बादशाह यानी कि सलमान खान मुख्य विलन का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अगर बात कर लें कि हीरो का रोल कौन करने वाला है, तो सबको पता है कि सबके चहेते मेगा स्टार रामचरण जो इसमें एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ हीरो वाला लुक करने वाले हैं। तो गाइस, ये उड़ती उड़ती खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, अपने ऑडियंस के लिए प्रदर्शन किया जाए। तो गाइस, फाइनली 12 साल इंतजार करने के बाद एगा 2 आने वाली है, तो फैंस को इस मूवी का इंतजार बहुत ही बेसब्री से था। तो वहीं हम बात कर लें मूवी की स्टोरी की, तो फर्स्ट मूवी के अकॉर्डिंग सेकेंड मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा है फैंस में, वो हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है कि एगा 2 डालते ही कितने ज्यादा ट्रेलर और टीजर अपलोड कर रहे हैं लोग। तो गाइस, एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि भाई साहब बॉलीवुड वालों में कौन सी बीमारी फैल गई है जो हीरो विलन का रोल करने लगा। क्या बॉलीवुड के विलन अब हीरो बनेंगे क्या? कुछ ऐसा लगता है, मुझे लगता है शायद अब अमरीश पुरी पुनः वापस लौटने वाले हैं, वो भी बॉलीवुड के हीरो के रूप में। तो वैसे आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड को कोई बीमारी हो गई है या उन लोगों का दिमाग एकदम बौखला गया है बायकॉट करने की वजह से? तो गाइस, जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, कमेंट करके वो भी मुझे जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।